अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर व्लॉग में। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मोहसिन अब्बास 3553 आ जाए इंस्टाग्राम पे और मुझे जरूर फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अलम पाक का कपड़ा चेंज करने वाले हैं। पहले मुहर्रम की वजह से ब्लैक लगा हुआ था, अभी रेड अलम पाक का कपड़ा लगाने लगे हैं और नीचे शाहजी मेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें लेके आते हैं और अलम पाक का कपड़ा चेंज करते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि ये अलम पाक का कपड़ा आया कहाँ से है, आप खुश हो जाएंगे यार। यानी आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि मौला ने हमें ये अता किया है। जिन्होंने भी अब्बू को गिफ्ट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप बहुत खुश होंगे सुन के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। शाहजी कैसे भेजा? मैं ठीक शाहजी, आप बताएं। अल्लाह शुक्र बेहतरीन। कब आए? मैं 2-3 मिनट हो गए नीचे बैठा हूँ, मैं तो शावल ले रहा था, सॉरी। अच्छा, लेट हो गया था। और सब खैरियत से? ठीक, आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र बेहतरीन, बस टाइम बड़ा लिमिटेड सा था भाई। हाँ जी, आप हजरत? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हसन शाहजी को मैं काफी टाइम से कॉल कर रहा था कि घर आकर चेंज करना, फिर मैं भी रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी था और शाहजी भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे। आप जानते ही होंगे इन्हें खैरुल अमल चैनल जो है माशाल्लाह बड़ा मशहूर चैनल है, हमारी भी वीडियोस उस पे आती रहती हैं। अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जरूर करें। और भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं इंशाल्लाह। और ये सोनू भाई लोगों का ही चैनल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सब मोमिनीन का ऐसा ही है। और आप सब लोग प्यार करते हो और भाई उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। करें चेंज या बैठो थोड़ी गला बातें करी? ओके, चेंज कर दे जी। मैं ऊपर आया था अलम पाक लेने और अचानक से एंट्री हुई है शाहजी की। शाहजी आली मदर, कैसे हैं आप? ठीक है सर? एहसान मोहसिन भाई, आप सुनाए ठीक ठाक? शाहजी आप बहुत खुश नसीब है बेशक। हम अलम पाक का प्रेरा चेंज करने लगे थे और शाहजी की माशाल्लाह एंट्री हो गई। ये खुशनसीबी है, कर्म है, बहुत बड़ी खुशनसीबी, बहुत बड़ी खुशनसीबी। और शाहजी मैं आपको बताऊंगा कि ये अलम पाक आया कहाँ से, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक है, आप खुश हो जाएंगे बेशक बेशक। सीरियसली थैंक यू, आपने पकड़ा है ना, आप सोचेंगे है ओए होए मैं इतना बड़ा खुशनसीब। वैसे तो अलम पाक सारे ही अलम पाक हमारे लिए अलम तो है ही मौला का, लेकिन ये जरा कुछ स्पेशल। अब हम छत पे जा रहे हैं, अभी हम छत पे जा रहे हैं। चलें जी शादी आ जाए ऊपर। शादी ऊपर लाइट कम होगी मेरे ख्याल से, अलम पाक की लाइट है ना बस, ठीक है इतनी बहुत है। अलम पाक की भी लाइट है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शादी अब हम आपको बताएं ये अलम पाक आया कहाँ से, कहाँ से? ये माशाल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा पे ये लगा है, वहां से उतर के यहाँ आया। सुभान अल्लाह, शादी देख ले। खुशनसीबी हसन भाई, क्या बात है साहब, आपकी खुशनसीबी के आपके घर पे सचमुच अलम वालों का अलम लगा हुआ। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अलम तो है ही सारे उनके। जी जी बेशक, लेकिन बेशक। ये उनके रौज़ा करीम है मौला के हरम पे जो लगा नस्त था वहाँ से आया है, आप बता रहे हैं माशाल्लाह, क्या खुशकिस्मती इसे कहते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह, आ जाए, हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी। अभी आपको ज़ियारत भी करवाते हैं अलम पाक की, फिर वहाँ आपको पता है अलम पाक फिक्स हो जाएगा, फिर आपको सही से नजर नहीं आएगा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहसिन साहब आप कह सकते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पे करम हुसैन का बेशक बेशक अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का बेशक बेशक। ये अलम पाक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पाक पे जो नस्त था वहाँ से हदियतन जनाब मोहसिन अब्बास हसन सादिक साहब के घर पे आज आया है तबरक के तौर पर, और ये सैयद हसन शाह साहब के दस्ते मुबारक से उनकी जद अमजद के अलम पाक की रूनमाई करेंगे। नारा हैदरी। जी बिस्मिल्लाह मोहसिन साहब, एक चीज आपको मैं पॉइंट नोट कराने जा रहा हूँ कि आज 9 रजब की शब है, शब लग चुकी है माशाल्लाह, आमद शहजादा अली असगर सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम की आमद है। और मेरी दुआ है कि आपकी शादी हुई है, मौला इसी साल आपको मोहसिन अब्बास से भी प्यारा
मातमी बेटा अता करे इंशाल्लाह। मोहसिन अब्बास को मोहसिन अब्बास से ज्यादा प्यारा बेटा मातमी अता करे, जंजीरजन बेटा अता करे, और मौला जिंदगी तंदुरुस्ती वाला, बख्त वाला, नसीब वाला और नाम वाला बेटा अता करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये आपकी खुशबख्ती है कि आज की रात आप आलमकुशाई कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, ये ब्लैक वाला आलम पाक जो है ये हमारे अंकल सैयद जमीर हैदर, वो भी यूएसए में होते हैं तकरीबन 8 साल से, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान में। तो आते हैं वो हमें मिलने 2-3 साल बाद जब उनका चक्कर लगे। ये उन्होंने लगाया था आलम पाक, उनके बाद अब सैयद हसन शाह जी लगा रहे हैं। हमारे बड़े हैं चाचू जमीर और इज्जत बेशक 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 जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं अंकल जी, आ जाए एक बार फिर मिलने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अभी मैं लेने जा रहा हूँ सुई और धागा, स्टिच करना पड़ेगा। मिठू भाई भी आ गया लगता नीचे। मिठू भाई हाँ हाँ यार, करते भी लो आ, तेरा रजब है, तेरा तेरा रजब आ रहा है, करते भी लाइटा में क्या लो आ, मौला अली शान शमा तो जरूर नमिया ले, इधर आ जरा ये देखे जी जरा मिठू भाई के काम, मिठू भाई ने जगमग करने लगा है। मिठू भाई बहुत अच्छे मिठिया ड्यूटी करता भाई, मिठो भाई मलंगा है करो ड्यूटी दा, मालक की ड्यूटी नहीं छड़दा, शायद जिन्ना भी खिजिया हो लेकिन ड्यूटी ले बिस्मिल्लाह करता फौरन। तो मलंग भी तो ही होंदे ने ड्यूटी वास्ते हाजिर हो। मेरे सब्सक्राइबर भी सारे ही कहंदे कहंदे मिठू मलंग है। मेहरबानी थैंक यू थैंक यू, इधर मुंह करके कह ना मैं काम कर रहा हूं यार। दफ्तर काम करदे ने लड़के सुनना था, मगर अपने घर वाल मिलाया। मैं जिदन गया ना उन्होंने कहना शाह जी आलम लाया अपने घर भाजी, तो उत्थे इमाम वर्गा सिद्धू पुर रशीदाबाद तो शाह साहब नूं लिया नाल उत्थे पेच जमात चढ़े, तो आलम खुशाई उन्होंने हाथी कराई। तो मैं क्या की कहना आलम सरकार गाजी का किसी के प्यो की जगीर है कोई भला। ये चीज़ है वो जो समझाना चाह रहे थे ना हम लोग कि ये परचम इस्लाम है, इंसानियत को जरा बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारे की हमारे हैं हुसैन बेशक। ये उसी चीज़ की तशरीह है, वो कलम नगार जो जिन्होंने लिखा है वो सब अब लोग समझ के आ रहे हैं बेशक है। और जो समझ के आते हैं शाह जी वो पक्के आते हैं, पक्के आते हैं। अच्छा शाह जी कह रहे हैं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया जी, बोल शाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह शिया है जी, बिस्मिल्लाह। और जो हमारे बाहर वाले भी हैं वो भी भाई हैं, उनको भी हमारे भाई हैं जी। और यानी जिसको हमारे आलम पाक लगाने से या हमारी इस गुफ्तगू से बुरा लगा हो तो मैं उन्हें खुद इजाजत देता हूँ, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। सुई घूम गई है जी, नीडल ए देखो जी लग गई सुई, ए सुई कम कर रही सुई। मिठू आलम पाक की जो सफाई के अमल से गुजर रहा है अगला नहा के आया माशाल्लाह। मिठू भाई फिर पा के आलम पाक तो हर वेले गुसल च रहंदा मलंगा। शाह जी माशाल्लाह जी ड्यूटी करते हैं, अल्लाह पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इन्हें इस चीज का अजर दे। इलाही आमीन। हुक्म सुनो भाई दसो, सारा बच गया कपड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू आलम पाक। ओ लाइट नहीं चली, उसका लाइट खराब हुआ, वो लाने पड़ेगा। ठीक है सो 130 रुपए का वो दे दे, मैं ला देता हूँ, फिर भी काम आ जाएगा, लेकिन लेने दो अभी तो काम तो हो गया। चलो ठीक, साइयों का काम तो हो गया। ओके हो गया जी। शादी माशाल्लाह हो गया। हाँ जी हो गया भैया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيد سردار کلندر علی علی مولا علی مولا کل ایمان کل قرآن علی کل قرآن علی حق نعرہ حیدری یا علی حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حسن شاہ جی آپ بھی جی ہیں مولا نے آپ کو یہ ڈیوٹی عظیم ڈیوٹی سے بے شک آپ علم کشائی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت ماحول ہے کیا بات شاہ جی دل کو سکون والی فیلنگ کیسی آ رہی ہے نا جنت سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے فیل ہو رہا ہے ہم بھائی ہم بھی مارتے ہیں ہم بھی مارنے والے ہیں جنت سے بڑھ کر اس وقت نظارہ ہے یہ ایسا ہی ہے صحیح کیونکہ جنت کے وارثوں کا کام ہو رہا ہے اچھا یقین کریں کہ سردی اتنی ہے اوپر چھت پہ اوئے ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو اور ابھی میں نہا کر آیا ہوں شاہ جی بھی نہا کر آئے ہیں اور شاہ جی بھی نہانے کے علاوہ ہی سردی بہت ہے بہت زیادہ تو ہم میری ساکس یہ دیکھیں ذرا اس کی جو ٹھنڈک آ رہی ہے نا نیچے سے پاؤں کو وہ دماغ تک جا رہی ہے دماغ تک جا رہی ہے لیکن فیل نہیں ہو رہی شاہ جی فیل کیوں اس لیے ہو رہی کہ ذکر بہت اچھا ہے کام بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ وہ جو موسموں کو بدلتے ہیں ان کا کام ہے بے شک بے شک طاقت وہی دیتے ہیں اچھا سکون کی پھر بھی ایزی فیل کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ بسم اللہ جی جی شاہ جی یہ اس طرف کیوں ہے محسن بھائی جس طرف کو آواز آئے گی اس طرف کو ہی ہوگا اب اس طرف ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے پرنٹ نہیں ہے ایک سائڈ سے پرنٹ ہے اچھا دونوں سائڈ والے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے لیکن دیکھے نہیں ہے کبھی سنگل سائڈ ہی ہوتی ہے نہیں ہوتے میرے خیال نہیں ہوتے تو یہ یعنی جب ہوا چلے گی اس نے یہاں اس سائڈ پہ چلے گا جب اس سائڈ کو چلے گی تو یہ سیدھا سائڈ نظر آئے گی جب اس سائڈ کو جائے گا تو یہ الٹا سائڈ نظر آئے صحیح ہے ماشاءاللہ جی تھینک یو سو مچ شاہ جی بہت شکریہ یہ تو مالکوں کا کام ہے ڈیوٹی ہے تھینک یو سو مچ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ مولا نے ہمیں اس کام کے لیے رکھا الحمدللہ بے شک اور آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں شاہ جی ایک اور بڑی بات بتاؤں جی اس کے جیسا بلیک علم پاک بھی ہے وہ بھی حرم پہ ہی لگا تھا ماشاء اللہ وہ ہم نے رکھا ہے محرم کے لیے انشاءاللہ محرم میں لگائیں گے انشاءاللہ اچھا میری خواہش ہے کہ ایسا ہی علم پاک ایک اور ہمیں گفٹ ہو انشاءاللہ مولا کریں گے انشاءاللہ دعا کریں سارے مل کے کہ آج پاک رات کا صدقہ جناب شہزادہ علی اصغر کی آمد کا صدقہ مالک ہمیں جلد سے جلد کربلا بلائے اور ہم سب اکٹھے جائیں کربلا جائیں گے اچھا میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مولا حسین علیہ السلام ایسا کوئی معجزہ کرے کہ ہمیں یہ علم پاک اور بھی گفٹ ہوں انشاءاللہ پھر ہم اپنے اہل سنت بھائی کو کسی کو گفٹ کریں انشاءاللہ ہمارے دوست ہیں نا کافی جن جو اہل سنت ہے ان کے گھر میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ علم لگے ہمیں میری اب کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں علم پاک کا کہیں نہ کہیں سے پتا کروں دوبارہ ملے پھر انشاءاللہ ہم کسی اہل سنت بھائی کو گفٹ کریں گے انشاءاللہ شادی آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں آؤ تو نیچے بیٹھے جی میرا ویڈیو ہے نیو قصیدے کا یہ جب ولاگ آئے گا تب تو وہ اپلوڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ صبح وہ اپلوڈ ہوگا یہ ولاگ تو بعد میں آپ دیکھیں گے جب بھی آپ دیکھیں تو آپ نے حسن صادق آفیشیل پہ میرا نیا قصیدہ میں ملنگ ہاں یا علیدہ آپ نے ضرور سننا ہے اور آپ نے آگے بھی ضرور شیئر کرنا ہے ابھی ہم میں اور حسن شاہ جی اور نادر شاہ جی ہم جا رہے ہیں شاہ جی آپ نے بھی ساتھ ہی جانا ہے ہمارے ٹھیک ہے کیونکہ ایک بار ویڈیو دیکھنا ضروری ہے ایڈیٹنگ کر دی ہے امیش بھائی نے ایک بار ہم ویڈیو دیکھ لیں گے پھر وہ ڈن کر دیں گے انشاءاللہ صبح پھر اپلوڈ کر دیں گے اور شاہ جی باہر چائے بھی پئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے شاہ جی ٹھیک ہے اوکے میں گاڑی کی چابی لے کے آتا ہوں جی گاڑی کی چابی لے لی ہے میں نے مٹھیا دروازہ کھولی یار مٹھو بھائی دروازہ کھولی شتا دے ہاں جی شاہ جی آئے بسم اللہ جی شاہ جی کیا پلان ہے پہلے کہاں جانا ہے ویڈیو پہ یا چائے پینی پہلے جدھر آپ کا پلان ہے سب سے پہلے آپ بتائیں آپ بتائیں سب سے پہلے کام دیکھتے پھر چائے جدھر بھائی آپ کے ادھر چلتے ہیں اوکے جی ہم امیش بھائی کی طرف پہنچ گئے وہ بھی ذرا نماز پڑھ رہے ہیں آگے امیش بھائی ارے کس طرح سر ٹھیک ٹھاک آ جائیں امیش بھائی کیسے ہیں طبیعت صحت کیسے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ کرم مالک کے ہو گیا پھر ویڈیو ایڈٹ یہ میرا ہی چل رہا ہے اوکے ہو گیا
अभी ज़रा वीडियो देख लें हम, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। आप कंप्लीट ही देखिएगा। A few minutes later. जी माशाल्लाह वीडियो हमने देख लिया है, बहुत बहुत कमाल एडिट किया है उमेश भाई ने। उमेर भाई ने बहुत अच्छा सेट लगाया है, बहुत अच्छा वीडियो हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत आला है। शाह जी कैसा है वीडियो? बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। मौला पेंशन बाग कामयाब करें, आमीन आमीन। और रिस्क इज्जत वक्त में इजाफा करें, आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम हुआ है मोहसिन भाई का, और लाजमी सुनिएगा सारे भाई जो भी हैं जितने देख रहे हो। हाँ जी शाह जी, क्या कहने मौसिन साहब, मेरे तो सहर तारी हुआ कलाम सुन के। वो ट्यून, वो वोकल आपका खूबसूरत जो आपने अदायगी की है, सुभान अल्लाह, अल्लाह मान अल हफीज। और जितने भी आपको सुनने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी इंशाल्लाह, गिफ्ट है उनके लिए, गिफ्ट है, वाकई गिफ्ट है उनके लिए। और अल्लाह आपको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सब दोस्तों से गुजारिश है, सुनिएगा जरूर। जी महल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोहसिन भाई यही कहूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम हुआ है आपका। थैंक यू सो मच। एडिटिंग ये वो सारा कुछ करने का मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, आपका एक्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, मेरा फर्स्ट कलाम है जिसमें मैंने ऐसा एक्ट किया है, यानी पहले कलाम जितने भी आए हैं उनमें मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना, यानी कि इतने इसमें एक्सपीरियंस लग रहा है उनमें, यानी कि खुल के नहीं ऐसे मैंने वीडियो का एक्ट किया। इसमें बहुत अच्छा है, मेरे मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया मेरा एक्ट। उमेश भाई भी यही तारीफ कर रहे थे कि भाई मुझे एडिटिंग करते हुए बहुत मजा आया, क्योंकि आपने एक्ट बहुत अच्छा किया। और आप सब भी जरूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कलाम के नीचे, और हसन साजी को ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। और अब हम निकलने लगे हैं चाय पीने। उमेश भाई साथ चलेंगे? जी जी जरूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं चाय पी ली है, मैं तो यहाँ मंगवा रहा था। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। हमारा प्लान है वहाँ जाकर अच्छा, पीने अच्छा। का। और उमेश भाई के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे इन्हें, बिजी ही रखे, इलाही आमीन। तो मुझे पता चला था पिछले दिनों आपकी तबीयत भी कुछ डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्टलेस हो गए थे बहुत ज्यादा जागने की वजह से। मौला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इलाही आमीन। चले जी अब निकलते हैं। आ जाओ जी, अब हमारी माही की चाय हमारा इंतजार कर रही है। माही भी सानू चाह पियावी, अल्लाह दा ना ही देर ना लावी। A few inches later. जी हम इधर पहुंच गए हैं माही चाय वाले की, ये देखें बहुत कमाल चाय है। शायद तुसी चाय पी के आप दाद दोगे इंशाल्लाह। मैं भी नहीं नियत रिसा के तो है, बड़ी दूर और गलियां गलियों के अंदर आए हैं, तो पंजाबी च बोलो दसो। मैं के पहली बार आए हैं सी इत्थे, माही चाय वाले बड़े मशहूर ने, मौसम मैंने बड़ी तारीफ की है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ? ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਾਹ ਮਾਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। जी चाय आ गई है हमारी। आए हाय हाय हाय, शायद जरा घुट लाओ। यार बहुत अच्छी है, क्या है? बात है, वाकई वही वही टेस्ट है जिहड़ा तुसी थन दिखा के ले आए। ओए ओए, शायद तुसी भी लाओ जरा घुट। क्या बात मोहसिन भाई, बहुत अच्छी चॉइस, बहुत अच्छे। माही आई लव यू। और मैं भी लावा घुट। ओए होए 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 होए, क्या बात, वही चीज है जो भैया आपने दिखाया हमें, क्या ख्वाबों में। अब जरा सुकून से चाय पी लें, उसके बाद आपसे मिलता हूं। जी अब हम वापस जा रहे हैं, और टॉपिक बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। नादिर शाह साहब ये मेरे अंकल भी हैं, और इन्होंने बचपन में हमें पाला भी है, इवन हमें मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, बहुत सारी यादें हैं। हम मेरा बचपन यानी इनके हाथों में गुजरा है, तो शाह जी मेरी बचपन की बातें बता रहे हैं। शाह जी मैं सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करें। मोहसिन भाई, मैं आपके बचपन, आपके पैदा होने से लेके अब तक आपकी अच्छा, हर पंजाबी की गल दसो, सारी ताड़े पैदा होने तो लेके हुण तक हर मोमेंट ताड़ी पूरी जिंदगी मेरे सामने खुली किताब दी तरह है। और मोहसिन साहब दा, हसन साहब जी के एक्स्ट्रा लाडला नहीं हुंदा बच्चा जेड़ा, जी जी जी, के घर च सारिआं दे भारी, वाह वाह, मोहसिन साहब वो लाडले सन, जिंदगी तंदरुस्त है। अज भी लाडले ने, वाला साहब दे मां प्यो दे चाचियां तायां दे भैन भरावां दे सब दे लाडले अज भी है। मौला सलामत रखे इन्हां नूं,
और इन्होंने प्यार करने वाले भी मौला सलामत रखे। मौसम साहब जी ना एक बड़ी के मतलब के सर्दियां धुंध पै रही होवे हसन शाह जी 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 जिवें अजकल नहीं पै रही इवें ही तो उदो ना मेरे को गड्डी हुंदी सी ते ना मतलब कोई ऐसी चक्कर हुंदा सी ते सोनू ने जिद की मौसम साहब ने कि जी मैं चांपा खानी है ते साडे फैसलाबाद च नहीं इकबाल स्टेडियम दा रियल टेस्ट हुंदी सी ते चांपा सी खा लिया ते भाजी दा कराचियों फोन आ गया ना तो चल भी चांपा लै आ ते मैं सोनू साहब दे लाड़ वास्ते उदो चांपा जाने कि मिलदी होनी सी मतलब 1800 दी अद्धा किलो या मतलब 3 पा गुर्दे हुंदे ने जिहड़े बकरे दे ओह बड़े खवाए असीं इन्हां नूं ते फिर मौसम साहब दा स्कूल छोटा हुंदे आ जिहड़ा मतलब जिहड़ा असीं हाउस ऑफ एजुकेशन लिटल फ्लावर एक स्कूल हुंदा सी प्राइवेट जिथे मौसम साहब नूं छड्डा जांदा उत्थे आखिर फिर ग्रीन डॉट्स वगैरह दे विच सब जे असीं छड्डण जाणा स्कूल लै के भी आना मेरी और पंज सलामत दी ड्यूटी भी हुंदी सी ते उहनां दा जिक्र करना मैं जरूरी क्योंकि पंज सलामत दे नाल नाल असीं बहुत ड्यूटी कीती मौसम साहब दी ते मौसम साहब इंशाल्लाह अल्लाह तुहानूं जिस तरह हुण तक कामयाब जिंदगी गुजारी है जिंदगी च बहुत ज्यादा अल्लाह इज्जत है और तुहाडे बचपन दीआं बहुत सारीआं यादां ने अच्छा किसे दिन बैठ के ना अचानक ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਆਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਫੌਰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਅਬੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਮਾਰਟ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਈ ਮਾਰਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਲਾਪ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹਸਨ ਭਾਈ ਅਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਖੁਲਵਾਓ ਹੁਣੇ ਖੁਲਵਾਓ ਹੁਣੇ ਖੁਲਵਾਓ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬੜੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸਤ ਗੱਡੀ ਮਸਤ ਗੱਡੀ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੀ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੀੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਯਾਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਬੂ ਕੇ ਸਾਥ ਅੰਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕੀਆ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਸੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁਝੇ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਭੀ ਹਮ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਵਲੌਗ ਕੋ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵਲੌਗ ਕੋ ਮੈਂ ਯਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।